की प्रॉनी तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो जैसे कि जब से न्यूज़ आई है कि एम्स और जिपमर विल बी मर्ज्ड इनटू नीट और उसमें एडमिशन नीट के थ्रू होंगे, तो काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कमेंट सेशन में, देखो इंस्टाग्राम पे देखो और मेल में भी। और जिसमें मेन क्वेश्चन ये आ रहा था कि भैया क्या हो सकता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या पेपर टफ होगा या नहीं होगा, तो इन बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उनसे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो वही रहनी है, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो एम्स में भी आनी है, जिपमर में भी आनी है, नीट में नहीं आनी। अगर वो मर्ज होते हैं तो वो चीज़ें तो आनी है ना। सो रैदर वेस्टिंग योर टाइम इनकी क्या कहते हैं क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंटिंग और इन सोच में डिप्रेशन में आ जाना कि यार अब तो बहुत टफ हो जाएगा, पेपर ही आ जाएगा, फोकस ऑन योर स्टडी यार। अभी आपके पास टाइम है, ये चीज़ें हर साल होती है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती रहती है, बच्चे अपना आधे जो बच्चे होते हैं वो अपना माइंड इस तरह डाइवर्ट कर देते हैं, बट जिसने फतेह हासिल करनी होती है ना वो सीधा फोकस रखता है कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मेरी आनी है और जो चेंजेस आएंगे आई विल वर्क ऑन देम और आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन नीट एम्स और जिपमर अगर होते हैं, और अगर एक ही होता है इन नीट एंड गेट माई ड्रीम कॉलेज। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड, ये नहीं कि यार क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें होशपोश मचाने की कोई दिक्कत नहीं, जो भी चेंजेस आएंगे यू हैव टू फॉलो यार। एक चीज तो अगर चेंजेस होते हैं, पैटर्न चेंज होता है तो आप तो उसे चेंज नहीं कर सकते ना, जो गवर्नमेंट ने तय कर दिया आपको फॉलो तो करना ही पड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज ध्यान में रखो कि यार इन सबको छोड़ो, अपना पढ़ाई पे फोकस दो और फोकस करते करते मेहनत करो और जो भी चेंजेस आएंगे उसे एक्सेप्ट करो, उस पर वर्क करो और अपना रिजल्ट लो और लाइफ जियो, ठीक है। ये पहला पॉइंट। अब बात करते हैं क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, ठीक है। पहली देखिए एक बात होती है डिसएडवांटेज वाली बात, जो मेजर बात होती है, क्या होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नीट का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता, देन दे गिव द एम्स, ठीक है, उनका एम्स में सेलेक्ट हो जाता है। और किसी किसी का क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी एक्सेप्शंस ऐसे भी आते हैं जिनका एम्स में नहीं होता, नीट में नहीं होता, बट दे क्रैक जिपमर। तो ये चीज़ होती थी, तो अगर ये मर्ज होता है तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि अगर देखिए अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि पेपर अगर ये मर्ज होता है तो टफ होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है अगर एम्स है और जिपमर जैसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, अगर ये जुड़ते हैं नीट में, ठीक है, नीट में अगर ये जुड़ते हैं तो इनका तो लेवल इनको अपने मेंटेन करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा एनटीए को अपना क्वेश्चन पेपर की लेवल हाई करनी पड़ेगी। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर पेपर का पैटर्न हाई होता है, लेवल हाई होता है, तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं होगा, ठीक है, ऑल हैव टू फेस ना, सबको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। और जब अगर पेपर टफ होगा देन कट ऑफ विल ऑटोमेटिकली इट विल बी लो, ठीक है, अपने आप ही लो हो जाएगी। तो ये चीज़ भी तो सोचिए, जैसे इस साल अगर आप देखें 2019 में अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल का पेपर ईजी था, ठीक है, तो कट ऑफ कहाँ हाई थी। बट अगर इस साल एम्स वगैरह जुड़ते हैं और क्या कहते हैं जिपमर जुड़ता है नीट में तो लेवल हाई होगा तो कट ऑफ लो जाएगी। तो ये दोनों प्रोस्पेक्ट है ना, अगर एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी, और डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है, तो सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। बट आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों में उलझना है या यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी। अगर जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो आपको मानने ही पड़ेंगे ना, यू हैव टू वर्क ऑन देम, ठीक है, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अभी मेरी तरफ से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यार देखिए जो भी चेंजेस होंगे उन्हें एक्सेप्ट करना है, अपना फोकस रखना है कि आपको अपना ये कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है वो आपको तगड़ी तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए एएफएमसी का क्या होता है, अगर ये चीज़ अगर नीट के अंडर ही एम्स जिपमर जुड़ जाए, एएफएमसी का देखिए एएफएमसी वगैरह क्या करते हैं, जैसे आपका नीट टॉप स्कोरर्स होते हैं, ठीक है, वो एएफएमसी के अप्लाई करते हैं, वहाँ पे फिर उनके इंटरव्यूज होते हैं, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो अगर ये होता है तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो एम्स और जिपमर भी अपने अपने रखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें बात की हैं, वो क्लैरिफिकेशन की बात की हैं, अभी आप लोगों को इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, अपना फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल वीडियो कह लो या अलर्ट वीडियो कह लो जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। एक कुआं है जिसमें बहुत सारे एक मेंढक जा रहा था, एक छोटा सा कुआं कह सके, गड्ढा कह लो, ठीक है, गहरा गड्ढा था काफ़ी, ठीक है। तो एक मेंढक गया, उसमें गिर गया, उसके बाद बहुत सारे मेंढक भागते भागते उसके पीछे आ रहे थे और वो भी सारे गिर गए, ठीक है, और कुछ वहाँ रुक गए, ठीक है, उनको देखने लग गए कि यार ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो वो नीचे जो मेंढक गिर गए वो उनसे कह रहे हैं कि यार हमें बचा लो हमें कर लो। अब जो और नीचे ज़्यादा जाकर आया, पीछे से और मेंढक आते जा रहे हैं, उनको धक्का मारते जा रहे हैं, वो सब गड्ढे में गिरे जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते बहुत सारे मेंढक गिर गए, और फिर उसके बाद एक
ऊपर जो मेंढक थे ना उन्हें अकल आ गई कि यार अब हमें आगे नहीं जाना, अगर हम भी इसमें आगे झाकेंगे भी ना, मदद भी करेंगे तो हम भी गिर जाएंगे, ठीक है। तो पीछे से उन सबको रोक देते हैं और जो नीचे रहते हैं वो मदद के लिए पुकारते रहते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करें, कैसे ऊपर जाएँ। वो उनको कहते हैं प्लीज़ हेल्प। अब इतने सारे सोर्सेज मेंढक तो ला नहीं पाएंगे, एक बार इंसान होता तो चलो हम सोर्सेज तो ला सकते, तो मेंढक तो नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो उनमें से सारे मेंढक अब सलाह करते हैं कि हम कैसे करें। वो बहुत मतलब कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, करते रहते हैं कि यार हमें करना है। ऊपर से भी जो वो करते हैं, वो जो मेंढक होते हैं वो भी बुलाते रहते हैं कम ऑन आओ, या फिर उनसे कहते हैं अब तो तुमने मरना ही। अब आधे लोग कहने लग जाते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत टाइम हो जाता है क्यों अब कुछ नहीं हो सकता। बट वहाँ पे एक मेंढक होता है, ठीक है, वो लगातार उछलता रहता है, कूदता रहता है और कोशिश करता रहता है कि यस मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को पार करना है। बिकॉज उसके अंदर ईगरनेस थी कि यार मुझे ये चीज़ पार करनी है। उछलता रहता है, सब कहते हैं कि यार रहन दे, जो नीचे जो फंसे होते हैं वो कहते हैं अब तो हमारी मौत निश्चित है, वी हैव टू डाई, ठीक है। बट वो कुछ नहीं सुनता, वो इग्नोर मारता है और करता रहता, कूदता रहता, कूदता रहता, कूदता रहता, कूदता रहता है। और एक छलांग वो ऐसी लेता है एंड में, वो एक छलांग ऐसी लेता है कि इतनी तगड़ी छलांग लेता है वो ऊपर सीधा पार, ठीक है। तो जब वो पार हो जाता है ना, तो नीचे वाले सब हालत अपने हार मान चुके होते हैं, बैठे होते हैं। फिर वो कहते हैं, उससे पूछते हैं यार ये तूने कैसे करा, ये तूने कैसे करा। तो वो कुछ अजीब सा कहता है, कहता है ऐसे तो फिर बाद में ना उसका एक जो मेंढक वो ऐसे करते करते बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फिर एक जो मेंढक जो ऊपर होता है ना, वो कहता है यार ये तो बहरा था, यानी सुन नहीं सकता था, तो सुन नहीं सकता था। तो अब इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जब वो गड्ढे में गिरे हुए सारे मेंढक कोशिश करके हार चुके थे, तो उसने क्या करा, अपनी पीछे हुआ, फिर छलांग लाई, लगातार और एक छलांग उसकी ऐसी पड़ी वो कुएं से या वो गड्ढे से पार हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहरा था, उसने किसी की नहीं सुनी। लोग क्या कर रहे थे, उसे डीमोटिवेट कर रहे थे, उसको ट्रैक से हटा रहे थे कि नहीं होगा। वो तो कुछ करके नहीं बैठे थे, हैं जो नीचे थे वो कह रहे नहीं होगा, रहने दे, मत कर। ऊपर वाले भी कह रहे थे तुमने मरना ही है, मत कर। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी ना, उसने बस अपना, वो बह रहा था, उसको किसी की सुनाई दे रहा था, उसको बस ये पता था कि, उसको ये लग रहा था कि ऊपर वाले कह रहे आ जा, हिम्मत मत हार, आ जा। और नीचे वाले थे कि रहन दे यार, हिम्मत नहीं हारनी हमने, तू कर सकता है। उसे बस हाथ के इशारे दिख रहे थे, उसने उसको पॉजिटिव वे में लिया और एक छलांग उसकी ऐसे ही वो बाहर निकल गया। तो आपने भी ऐसी छलांग मारनी है, कुछ मत सुनो क्या चल रहा है, कि अपना फोकस रखो, जो आपको चीज़ें हैं उस पे फोकस रखो, ठीक है। आपके सब्जेक्ट पे फोकस रखो, अपने एम पे फोकस रखो और जो चेंजेस होते हैं उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरे इसलिए था, काफ़ी जो स्टूडेंट थे वो कह रहे थे भैया क्या होगा, कैसे होगा, यार सब कुछ हो जाएगा, बट अभी फोकस रखो अपने स्टडीज़ पे, अपना जो आगे आपने करना है, जो चेंजेस आएंगे उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो ये इट्स नॉट अ स्टोरी, ठीक है, ये अपनी लाइफ बता रहो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट जो मैंने बहुत सारे बुक से मटेरियल से इकट्ठा करके खुद लिखे हैं, वो अपलोड करें हैं। आप तो टेलीग्राम अगर जिनके पास है, अविरल ब्लॉग्स करके आप डाल सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स वहाँ पे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं पूरा जो डाइजेशन है उसका, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। कोशिश करूंगा अगर आप अच्छा लगता है और नोट्स आपको अच्छे लगेंगे तो आई विल कंटिन्यू, और मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो जाइए टेलीग्राम में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और अगर अच्छा लगे तो ये चैनल भी सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @13abiral में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।